मैंने 11th क्लास में था जब मैं सबसे पहले मैंने इम्पेटस गुरुकुल के वीडियो देखे थे। इस एग्ज़ाम की खास बात यह है कि हम केवल मैथ्स के दम से ही एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो फिर मैंने पिछले 3-4 ईयर में सर के मोर देन 500 वीडियोस देखे होंगे। सर के वीडियोस बहुत हेल्प करते थे। द टाइम जितना ज़्यादा था मैंने सारा कभी टाइम वेस्ट ही नहीं किया, सारा यूटिलाइज मैथ्स में लगा दिया था। चलिए एक और नए टॉपर से मिलते हैं, अंकित गर्ग से, जो कि पानीपत हरियाणा से हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 75 है। तो सबसे पहले अंकित, आपको 75 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और अंकित ने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है, तो मैं चाहूंगा कि अंकित आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है उसको आप डिस्क्राइब करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित गर्ग। आई सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 75 इन NIMSA 2022। सबसे पहले मैं भगवान को थैंक्स करना चाहता हूँ इस रैंक के लिए, और अपने पेरेंट्स को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, शरद सर को जिनकी वजह से रैंक आई पॉसिबल हुआ, और मेरे सभी टीचर को जिन्होंने इतनी अच्छी एजुकेशन मुझे दी और हमेशा मोटिवेट किया। तो मैंने 11th क्लास में था जब मैं सबसे पहले मैंने इम्पेटस गुरुकुल के वीडियो देखे थे। उसमें एक वीडियो था सबसे अच्छा, हाउ टू क्रैक IIT जे इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो मैंने वो वीडियो देखा, सर की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही अच्छी थी, और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी सर से, मतलब उनकी बातों से आती है, तो मुझे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी। और फिर मैंने सर ने उसमें एक ही बात बोली थी कि अगर आप 12th में अच्छे मार्क्स नहीं बना पा रहे तो अभी आप IIT सब भूल जाइए, आप 12th के लिए मेहनत कीजिए। तो फिर मुझे थोड़े दिन बाद NIMSAT का पता चल गया था 11th क्लास में ही। और इस एग्ज़ाम की खास बात यह है कि हम केवल मैथ्स के दम से ही एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था 11th में कि मुझे NIIT NIMSAT जाना है। तो फिर मैंने 12th में एक बार सर को कॉल किया था, और सर इतने अच्छे हैं कि सर ने कॉल भी उठाया और मुझसे कहा कि अभी तो तुम 12th के लिए प्रिपेयर करो, उसके बाद फिर फाइन फर्स्ट ईयर से फिर स्टार्ट करना। तो फिर मैंने पिछले 3-4 ईयर में सर के मोर देन 500 वीडियोस देखे होंगे, जिनसे मैंने बहुत टेक्निक्स, ट्रिक्स, लॉजिक, कुछ क्वेश्चन हम अप्रोक्सीमेशन मेथड से या फिर लॉजिकल ऑप्शन से ही, ऑप्शन को रिजेक्ट करके बहुत सारी टेक्निक्स मैंने लर्न किया शरद सर से, जो कि एग्ज़ाम में तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, फिर तो था ही नहीं, और बड़े मज़े आ रहे थे एग्ज़ाम देते वक्त, बड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा था। हमेशा से ही कभी नेगेटिविटी, हमेशा पॉजिटिव सराउंडिंग रहता था हमेशा से। सर के वीडियो बड़े अच्छे लगते थे, तो फिर मैंने देखने कंटिन्यू करे। तो फिर मैंने प्रिपरेशन कैसे की वो बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़। तो मैंने 2 साल करीब करीब प्रिपरेशन किया है, उसमें फर्स्ट मतलब सेकंड ईयर जब लॉकडाउन लगा था फर्स्ट ईयर से, मेरे आइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने कहा था मोबाइल वगैरह मत चलाओ, सोशल मीडिया, तो मैंने ये सब छोड़ दिया था। मैंने सारे एप्लीकेशन डिलीट कर दिए थे सोशल मीडिया वगैरह के। तो अब टाइम मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा मतलब नहीं जाता था, तो सारे टाइम मैंने लॉकडाउन के बाद अपनी प्रिपरेशन को दिया, NIMSAT की प्रिपरेशन को। तो मैंने फर्स्ट ईयर में मतलब 2 साल दिए, जिसमें 1 साल में तो पूरा एंटायर सिलेबस किया। तो कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगाता था, जैसे एक टॉपिक है फंक्शंस, उसमें NIMSAT में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वो पूरा कैलकुलस जो होता है उसमें फंक्शन पे ही बेस होता है। तो मैंने पूरा 1 मंथ मतलब फंक्शन ही पढ़ा, सर के वीडियोज़ बहुत हेल्प करते थे। तो फिर सेकेंड ईयर में मैं क्या करता था, जो रिविज़न का, जब मैंने 2 बुक सोल्व की, RD शर्मा की सब्जेक्टिव और RD शर्मा की ऑब्जेक्टिव, 2 टाइम्स की है दोनों। तो जो RD शर्मा की सब्जेक्टिव थी उससे मैं रिवीजन करता था, और जो मैं रिवीजन थी उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ज़्यादा, जिनके क्वेश्चन ऑलमोस्ट 50% ही आ जाते हैं 3-4 टॉपिक से, उनसे स्टार्ट करता था और उन ज़्यादा टाइम देता था। उसमें ट्रिग्नोमेट्री, सेट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और वैक्टर, यहाँ से करीब करीब 50% पोर्शन आ जाता है। तो मैं इनकी प्रिपरेशन करता था, पहले ये इनका इलस्ट्रेशन कर लिए, फिर एग्जांपल कर लिए, फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। तो टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, तो टॉपिक वाइज टेस्ट देता था, उनके एनालिसिस कर लेता था, और हर एक टेस्ट पेपर को 4 to 5 टाइम देता था, जिससे कि सारे क्वेश्चन मेमोराइज हो जाते। टाइम जितना ज़्यादा था मैंने सारा कभी टाइम वेस्ट नहीं किया, सारा यूटिलाइज मैथ्स में लगा दिया था। और 2 साल तो मैंने पूरे मैथ्स को प्रिपरेशन को दिए है। कॉलेज का इतना प्रेशर नहीं था, मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन किया है, और उसमें क्योंकि ऑनलाइन था तो इतना ज़्यादा प्रेशर था नहीं, तो मैं इजीली मैनेज कर लेता था अपेयरिंग के साथ ही। और लास्ट के जब मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए थे उसमें बड़ा
मैंने लर्न किया जो मॉक पेपर थे उसको मैं क्या करता था, एक तो इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है वो, उसमें क्या होता है कि हम एक ही टेस्ट को 2 या 3 times दे पाते हैं। तो जब मैं एक बार दे देता था स्कोर मेरे अच्छे आते थे क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही दे दिया था, अर्ली स्टार्ट किया था तो 670-680 स्कोर आता था। और उसके बाद में पेपर के एनालिसिस करने के बाद 100 मार्क्स फिर इंक्रीज़ हो जाते थे, थोड़े टाइम बाद उसी पेपर को मैं दोबारा दे देता था, तो वो एनालिसिस के साथ वो पेपर पूरा मुझे लर्न नहीं हो जाता था। तो इससे मैंने करीब करीब 50 मॉक पेपर दिए और टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर तो मैंने बहुत ज़्यादा दिए। जितना ज़्यादा टाइम आप अपनी प्रिपरेशन को दोगे उतना ज़्यादा आपका लेवल भी बढ़ेगा और फियर जो एग्ज़ाम फियर वो ख़त्म हो जाएगा। तो सर से आप कनेक्ट रहिए, गाइडेंस में रहिए, तो आप हमेशा लाइफ में कुछ अच्छा ही करोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जैसा अभी अंकित ने बोला कि इसने 12th के बाद डिसाइड कर लिया था, यही होता है कि अगर आप सही समय पे डिसाइड कर लो और 12th के बाद पढ़ाई की और प्रॉपरली टेस्ट दिए, एनालिसिस अच्छे से किया और उसी का आज रिजल्ट है कि ऑल इंडिया 75 रैंक बिना किसी ड्रॉप के आई, तो आप सब लिसनर जो सुन रहे हैं, आप जिस दिन सोचे हो सकता आप फर्स्ट ईयर में, हो सकता सेकंड में, फाइनल में, जब आप सोचें एक्शन जरूर लें, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जूनियर्स के लिए क्या मैसेज होगा आपका? सर मेरा मैसेज ये है कि आप अपना टाइम जो है कभी भी वेस्ट ना करें। सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये मैं यूज़ नहीं करता था बिल्कुल, ये मैंने सारे एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिए थे। और फ्रेंड के साथ में ज़्यादा कुछ चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हमें करना चाहिए, इससे अच्छा तो हम कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस कर दें। और सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक को तो मैं सेक्रीफाइस मानता भी नहीं हूँ, तो मैं अचीवमेंट मानता हूँ कि ऐसी मतलब ये टाइम वेस्ट ही होता है इसमें हमारा। और अपना टाइम प्रॉपर यूज़ करें, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और हमेशा निमसेट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। अगर आप सच में ही निमसेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो बस फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप NIT निमसेट को रखें। आप पेयरिंग के साथ मुझे जो मैंने ये रैंक देखी थी तो बड़ी खुशी हुई थी, मैंने सबसे पहले सर को मैसेज किया था और उन्होंने कंग्रेचुलेशन किया, तो मुझे यही था बस, मेरा ड्रीम यही था NIT, तो मुझे कोई भी मिल जाता उसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब शरद सर का जो ट्रस्ट है, विश्वास है और जो इतना वो प्यार है, इसकी वजह से मुझे एक डायरेक्शन मिल गया था जिससे मैं कभी लाइफ में भटका नहीं और आज रैंक मिल गई, और बस ये सक्सेस जो है मैं हमेशा याद रखूँ। थैंक यू, बहुत अच्छी बातें बोली। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मन ने बोली कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहे, आजकल एक्चुअल में बहुत बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो मैं आप सबको भी बोलूंगा कि सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे वो आप लोगों के लिए अच्छा है। एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।